ये तो बात की आपने हकीम साहब गॉन सिया के बारे में। अगर हम बात करें गॉन मोरिंगा के बारे में, तो गॉन मोरिंगा जो होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है और देखिए कई चीज़ें हैं ऐसी जी। कि एक तो स्किन के लिए, उसके ग्लो के लिए, और छीपियाँ हो जाती हैं बड़ी उम्र में, मुझ जैसे बुढ़े आदमी को छीपे हो जाती हैं, जी और बच्चियों को मुहासे हो जाते हैं, या बच्चियों के साथ ये है कि उनकी हाइट नहीं बढ़ती, जी जी इसके लिए बहुत अच्छा है, और किसी के बाल नहीं बढ़ते, उन सब बीमारियों के लिए और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए ये गॉन मोरिंगा सफ़ेद वाला, याद रखें इसमें लाल और पीला सा भी लोग देते हैं, ये सब नकली आते हैं, सफ़ेद गॉन मोरिंगा लें, असली लेंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी चलिए, इसी के साथ आपने जब बात की बालों को लेके, तो हम देखते हैं, चलिए एक उम्र में तो बाल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अब तो हम छोटे छोटे बच्चों के हों, युवाओं के हों, बाल झड़ते हुए देखते हैं। लेकिन जो एक उम्र होती है 50+, हकीम साहब, उस वक्त को बाल इतने झड़ने शुरू हो जाते हैं कि उन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। एक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपके ही अगर हम बाल देखें तो वो इतने खूबसूरत हैं कि लोग कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे बाल हमारे क्यों नहीं हैं। तो इसके लिए क्या कुछ नुस्खे अपना सकते हैं? देखो शैलजा, वो रोग जो आम आदमी को होता है वो मुझे भी होता है, जी मैं भी कोई विशेष नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ भगवान का ये रहम है कि उसने मुझे जानकारी दी है, बिल्कुल तो मेरे भी बाल गिरते हैं और मुझे भी वो सारी बीमारियाँ होती हैं जो आम आदमी को होती हैं, लेकिन मुझे जानकारी भगवान ने दी है तो मैं अपना ख्याल रखता हूँ, इलाज करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि गॉन मोरिंगा अक्सर मैं ले लेता हूँ, नारियल पानी अक्सर लेता हूँ, तो लोग हैरत करते हैं कि इतने बूढ़े आदमी के इतने बाल क्यों हैं, कोई कोई तो मेरे बाल को नकली समझ लेता है, लेकिन मेरे बाल असली हैं। कभी कभी तो मैं अपने बाल ऐसे खींच कर दिखाता हूँ कि देखो असली हैं, विग होती है तो उड़ जाती है और विग बेजान होती है, तो ये कुदरत की बनाई हुई बूटियों की जानकारी मैं घर घर तक पहुंचा रहा हूँ, जिसके घर तक पहुंच गई उसको बड़ी आसानी रहेगी कि वो अपने रोग का इलाज कर सके। हेलो जी। नेक्स्ट कॉलर है लखनऊ से, प्राची, स्वागत है आपका। नमस्ते, नमस्कार, बताइए। आप हकीम साहब, आपको भी मेरा नमस्कार जय हिंद, बताइए क्या सवाल है। जी। मेरी मम्मी 60 साल की है और उनको अस्थमा की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दवा बराबर खा रही है, लखनऊ से भी इलाज चल रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप बताइए कुछ। जी देखो बेटा, अस्थमे का इस वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, वो दवा खाते रहें जो डॉक्टर दे रहे हैं, और अगर पुराने मरीज हैं तो स्टेरॉइड देते हैं, इस पर दवाएं भी बहुत कम असर करती हैं। मैं दुआ करूँगा आपके मम्मी का भगवान सेहत दे, इसके साथ में आप माजून आर केयर वो भी दवा खाते रहें, माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से दें, 1 चम्मच रात को, और इस वक्त में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए उनका, क्योंकि संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला है और ऐसे रोग जिनको फेफड़े की परेशानी होगी उनको परेशानी ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसी ख्याल रखिए और माजून आर केयर 2 टाइम गर्म पानी से दें, और खट्टी चीज़ें खाने को कतन मना कर दें उनसे कि बिल्कुल ना खाया करें, तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी। एमपी से हैं गोयल जी, स्वागत है आपका, बताइए सवाल क्या है। मेरी वाइफ के घुटने बहुत दर्द करते हैं, उम्र है उम्र है 50 50 50, ठीक है जी। और देखिए ये उम्र और ये रोग कोई ताज्जुब की बात नहीं है, 40 के बाद कभी भी हम घुटनों के मरीज, कमर के मरीज हो जाते हैं, तो ये रोग नहीं है बल्कि ये उम्र की दराजी है जहाँ पर हर जिस्म को यूनानी, क्या कहना चाहिए, यूनानी ट्रीटमेंट चाहिए या ओवरहॉलिंग चाहिए। जैसे हम अब गाड़ी रखते हैं तो कितना ख्याल रखते हैं, ज़रा भी आवाज़ आती है, ज़रा भी तकलीफ होती है उसको तो मैकेनिक को दिखाते हैं,
तो इसका भी एक मैकेनिक होता है हमारी बॉडी का, और उस मैकेनिक का नाम है गौंसिया, काला गोंद। और मैकेनिक भी अच्छे बुरे होते हैं, तो मैकेनिक ये असली मैकेनिक है, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम गौंसिया खिलाएं पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, और ये असली लेना बहुत ज़रूरी है, नकली बहुत मिलता है। अगर असली किसी को मिल जाए तो उसका रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, अनु है हरियाणा से, स्वागत है आपका। हेलो जी अनु। नमस्कार मैम। नमस्कार, मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। जी बताइए, मैं आपके सामने हाजिर हूँ, क्या सवाल है? हाँ जी, मुझे ये पूछना है मेरे पापा और ससुर पापा के लिए, क्या कहते हैं, मेरे पापा को ना 1985 से शुगर है। और क्या कहते हैं, उन्हें शुगर है, उनकी इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं, क्या कहते हैं, उनकी कंट्रोल नहीं होती है शुगर, कभी हाई हो जाती है कभी लो हो जाती है, कंट्रोल में नहीं आती उनकी शुगर। और लो हो जाती है तो क्या कहते हैं, काफी मतलब मीठा वगैरह पिलाना पड़ता है, तब जाके उनको मतलब होश वगैरह आता है। जी समझ गया मैं, देखिए। हाँ जी, और मेरे पापा के बारे में, पापा के लिए है, उनकी है ना बीपी हाई हो जाता है, अब पहले ठीक था अब हाई हो जाता है उनका। ये पापा के बारे में तो कहा था आपने? हाँ जी, पापा के लिए कहा था, ये पापा ससुर के लिए कहा, पूछ रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए काफी पुरानी शुगर है, और जो लोग भी इसका इंजेक्शन लेते हैं उन्हें फौरी तौर पर कुछ खिलाना पड़ता है, नहीं तो शुगर डाउन हो जाती है। लेकिन ये नौबत आए क्यों कि इंजेक्शन तक बात पहुंच जाए? देखिए एक ऐसा भी मटेरियल आता है जिसको जैतून का सिरका कहते हैं, इनको 3-3 चम्मच दिया करें खाने के बाद पानी से, और शुगर पे नज़र तो रखनी ही है पूरी ज़िंदगी, और धीरे धीरे इंजेक्शन की मात्रा कम करेंगे डॉक्टर, और फिर टैबलेट पे लाएंगे इनको, टैबलेट चलती रहेगी और ये जैतून का सिरका भी चलता रहेगा, 2 टाइम दिया करें। तो शुगर वाले मरीज के लिए है ये, आप कोशिश कर सकते हैं, 5 बार गर्म पानी पिलाएं और खूब नज़र रखें उनकी शुगर पर। अगर आप बहुत पहले फ़ोन करते तो ये इंजेक्शन की नौबत भी नहीं आनी चाहिए थी। और ब्लड प्रेशर के लिए भी यही दवा है, ब्लड प्रेशर के मरीज को 3-3 चम्मच दोपहर में और रात को पानी में मिलाकर 3-3 चम्मच पिलाना बेहतर है। ये शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, पेट के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, फिरोजाबाद से हैं अशोक, स्वागत है अशोक जी। जी सर, घुटनों में दर्द होता है। एज क्या है आपकी? 60 साल। दर्द कब से है? दर्द हुए 2 साल से। ठीक है, गनीमत है कि 2 साल से है। देखिए इस दर्द का एक मुस्तकिल इलाज है, लेकिन आपको सब्र वाला होना चाहिए, और 2 साल नहीं बल्कि 2-4 महीने यूनानी को दीजिए। यूनानी में एक गौंसिया आता है, गौंसिया यानी काला गौन। मैंने अपने अनुभव और जीवन में इससे बेहतर दवा नहीं देखी, और 100 ग्राम भी अगर आपको असली मिल जाता है, नकली बहुत मिलता है, असली मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाया करें, और 100 ग्राम भी असली जिसको मिल गया उसको रोग मुक्त होने की उम्मीद करनी चाहिए, और आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, यूपी से हैं यादव जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना सवाल कर लीजिए। जी मेरा सवाल बहुत अलग है, मैं हकीम साहब को जय हिंद बोल रहा हूँ। जय हिंद सर, बताइए क्या सवाल है? सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ डायरेक्ट। क्या
आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको ही दिखाना चाहता हूँ। अच्छा आप कहाँ रहते हैं? जी मैं यूपी कन्नौज। कन्नौज में यूपी है, तो देखिए मैं भी यूपी का हूँ और कभी गांव जाता हूँ तो वहाँ लोग आ जाते हैं। मेरा गांव का नाम है बुगरासी और बुलंदशहर यूपी में रहता हूँ। महीने के आखिर में अक्सर वहाँ होता हूँ। आप कभी मिलना चाहें तो आ सकते हैं, मैं गांव में सबको देखता हूँ। और कोई मर्ज हो तो आप बता दें, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। जी यादव जी, आपका कोई सवाल है? जी सवाल कर लीजिए। जी मैं, मेरा सवाल है, मुझे शुगर भयंकर सर्दी लगी थी, मेरे पेट में इंफेक्शन हो गया था 2015 में, तब से मेरा पेट ठीक नहीं रहता है, ठीक इमोशन आते रहते हैं और खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है ठीक है जी। देखिए एक इलाज कर ले, बादाम को तो आप जानते ही हैं, बादाम का गोंद ले लीजिए 100-200 ग्राम, बहुत सस्ता आता है, और 1 ग्राम पानी मिला लें और सुबह और शाम 1-1 ग्राम पिया करें। मुझे उम्मीद है आपको फायदा होना मुमकिन है। जी रोहतक से हैं विनोद जी, स्वागत है आपका। बताइए सवाल करिए। बेटे के, हाँ बेटे के सिर के बाल जो ना बेजान से हैं और वो उड़ रहे हैं। उम्र क्या है उनकी? उसकी उम्र है 28 साल। ठीक है जी, हार्मोन्स का टेस्ट करा ले अगर जरूरी समझे तो। हार्मोन्स का टेस्ट करा ले, हार्मोनल डिजीज हो सकती है क्योंकि उम्र उनकी बहुत कम है। और नहीं कराना चाहें तो गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है, सफ़ेद वाला ही लेना, लाल वाला मत लेना। तो 1 ग्राम रोज़ाना 1 नारियल पानी में मिलाकर पिला दिया करिए, बस काफ़ी होना चाहिए। लगातार पिलाते रहें कई महीने तक तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। तो आपके बच्चे को फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। आपने कहा कि बच्चे के बाल जो हैं वो बहुत हल्के हैं और वो हल्के बाल अब झड़ने लगे हैं। तो जो बातें यहाँ पे हकीम साहब ने आपको बताई हैं उन बातों को ध्यान में रख के हर एक उस बात को फॉलो करना है जो आप यहाँ पे लाइव कार्यक्रम में जानते हैं। दर्शकों ऐसे ही आप लोग भी कोई भी अपना रोग संबंधी प्रश्न कर सकते हैं। हकीम साहब से बात करने के लिए आपको करना क्या है, फ़ोन उठाना है, नंबर्स पर कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आइए बात अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है? आपका क्या नाम है, सवाल कर लीजिए। हकीम जी से बात कर रहा हूँ। जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है। अच्छा अच्छा, मेरे सिर में दर्द होता है बहुत तेज और सीने में दर्द होता है और पेट में भी दर्द, जलन भी होती है जी। तो जब भी आप देखिए खाना खाया करें तो 1-2 चम्मच सौंफ खाया करें उसके बाद, और 3 बार खाना खाते 3 बार सौंफ खाइए 1-2 चम्मच खूब चबा के, और ऐसे सीधा बैठे और ये ऐसे एक्सरसाइज करें रोज़ाना 3 मिनट। एक साथ नहीं कर सकते मैं जानता हूँ, तो 3 बार में करें 1-1 मिनट करके, एक ये और एक ये, ऐसे पूरी तरह मोड़े, यहाँ तक ले आए, बिल्कुल यहाँ तक आ जाती है ये, 3-3 मिनट करें, आपके दोनों रोग को फायदा होना मुमकिन है।